नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं एक छोटी सी वीडियो के साथ आपके साथ हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि तोरी की बेल पर आप भरपूर पैदावार कैसे पाएं। और देखिए, मानसून के सीजन में यह छोटी सी बगिया तोरी के फूल और फलों से लदी हुई है। तो चलिए, ऐसी ही हेल्दी फसल के लिए कुछ सीक्रेट टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को जरूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, इसमें फूल आ चुके हैं और तोरियां भी कटाई के लिए तैयार हैं। तो पहला जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपको मेल फीमेल फ्लावर की पहचान करना। जो आप गुच्छे में पीले फूल देख रहे हैं ये सभी मेल फ्लावर्स हैं, और मेल फ्लावर्स की संख्या तोरी की बेल में ज्यादा होती है और फीमेल फ्लावर्स कम होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि उन फीमेल फ्लावर्स का कन्वर्ट होना तोरी में बहुत जरूरी है। आपको मैं फीमेल फ्लावर भी दिखाती हूँ। वो इस टाइम देखिए, ये पाइप के रूप में होता है, इसमें पीछे पाइप लगा होता है फूल के पीछे, वही पाइप बड़ा होकर फिर आपको तोरी के रूप में बदल जाता है। तो इसका कन्वर्जन होना बहुत जरूरी है। अगर आपके बगिया के आसपास मधुमक्खियां तितलियां आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, तो पॉलिनेशन आपको मैन्युअली हैंड पॉलिनेशन करना पड़ेगा, जिसके लिए आप मेल फ्लावर को तोड़िए, उसकी पीली पंखुड़ियों को रिमूव कीजिए, उसके अंदर पराग होगा, बिना छुए उस पराग को आप फीमेल फ्लावर के अंदर जब टच करेंगे तब वह पराग अपने आप ही रिलीज हो जाएगा और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे वह पाइप तोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए अगली बात करते हैं, सही समय पर अपनी तोरी को तोड़ लीजिए। जब वह कच्ची है तभी तोड़ लीजिए, क्योंकि उसका स्वाद भी भरपूर होगा, और जब वो पीलेपन पे पर चली जाती है, थोड़ी पक जाती है, तो स्वाद बदल जाएगा और वह तोरी बीज तैयार करने में लग जाएगी, जिससे कि सारी बेल की पावर उन बीजों को तैयार करने में लग जाएगी, नई तोरियाँ तैयार आपकी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का भी ज़रूर ध्यान दें, सही समय पर अपनी तोरी को तोड़ लें। तो चलिए अब अगली बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। देखिए, जब भी फूल बनने स्टार्ट हो जाते हैं उस समय पे आपकी तोरी की बेल को खूब अच्छे से हैवी डोज चाहिए फर्टिलाइज़र की, ताकि और ज़्यादा फूल बने और जिससे कि तोरियां भी जल्दी जल्दी अच्छे से तैयार हों। जिसके लिए आप गाय के गोबर की पुरानी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादा आप एक्स्ट्रा डोज देना चाहते हैं तो उसके लिए आप पोटैश का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि केले को सुखा करके जो फर्टिलाइज़र बनाया जाता है वो आप अपनी इस बेल को दे देंगे, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। फ्लोरिंग और फ्रूटिंग दोनों ही ज़बरदस्त होंगी आपकी। देखिए, ये मानसून का समय एकदम परफेक्ट है तोरी के बीज लगाने का। आपको 100% जर्मिनेशन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और तो और इस वक्त आप तोरी के बीज लगाएंगे, बेल तैयार करेंगे, तो अक्टूबर नवंबर तक आपकी तोरी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बगिया में सारे तरफ बेल फैली हुई है, लेकिन अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, आपके पास स्पेस कम है, तो आप जूट की रस्सियों का सहारा देकर के इन बेल को ऊपर चढ़ा सकते हैं, या आप बैम्बू स्टिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसमें स्पाइक्स निकलते हैं वो बहुत अच्छे से जूट की रस्सी को पकड़ लेते हैं मजबूती से, और जिस वजह से काफ़ी ऊँचाई तक आपकी बेल चली जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तोरी की बेल में होने वाले पेस्ट अटैक की। देखिए, मानसून के समय में इसके पत्तों के पीछे चेपा नाम का रोग लग जाता है, जिसमें कि काले और पीले रंग के बहुत ही छोटे छोटे कीड़े से चिपक जाते हैं, जो धीरे धीरे ही पत्तियों को और पूरी बेल को ही ख़राब कर देते हैं। वो इजीली आपको दिखाई नहीं देंगे, इसलिए बीच बीच में हर चौथे पाँचवें दिन आप अपने बेल के पत्तों को पलट के चेक कीजिएगा, कहीं वो चिपके तो नहीं पड़े। तो पेस्ट कंट्रोल के लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं अपनी बेल पर, और कोशिश कीजिए अपनी बेल को उस जगह पे लगाएं जहाँ पर धूप अच्छी मात्रा पे आती हो। 5 से 6 घंटे की धूप आपकी बेल को मिले तो बहुत अच्छे से और जल्दी फ्लरिश करेगी आपकी बेल। लास्टली मैं आपसे ये कहूँगी कि तोरी की बेल में पानी अच्छे से दीजिए, पानी की शॉर्टेज ना हो, क्योंकि इसने फल तैयार करना है इसलिए पानी की रिक्वायरमेंट इसकी ज़्यादा होती है, पानी हमेशा आपकी मिट्टी में इसमें बना रहे। तो ये कुछ थे टिप्स, ग्रोइंग टिप्स, जिसकी वजह से आप अच्छे से बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूटिंग और फ्लॉरिंग दोनों पा सकते हैं तोरी की बेल में। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।